वक्त और विपक्ष दो होते हैं, दोनों में पहला स्थान काले के दोनों विचार करता है, दोनों पहले स्थान के विजेता हैं। और इसके बाद अभी ये प्रतियोगिता के वो मंडल स्तर पर करने जा रहे हैं, जिसमें जितने जिले से विजय प्रतिभागी हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे, वो प्रतियोगिता संभवतः अपने कॉलेज में हो सकती है। भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके बीच में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और देर से मैंने लंबे समय से पार्टी बाजार में जाम लगा हुआ है, इसलिए वहाँ रास्ते में हैं प्रोफेसर जी के श्रीवास्तव जी, भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे हैं और कॉलेज के शिक्षकों में 15 अगस्त 1947 को खंडित भारत के साथ हमने आज़ादी प्राप्त। 15 अगस्त 1947 को जब हम खंडित भारत कहते हैं तो उस समय भारत के केवल उस दिन यानी 14 अगस्त को केवल 2 खंड हुए, एक भारत बना था और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत के दोनों तरफ बना था, बाद में चलकर के बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ और अस्तित्व में आया। 1947 को भी पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी पाकिस्तान और भारत के रूप में भारत भौगोलिक रूप से 3 खंडों में बटा, लेकिन 2 देश बनाए गए। लेकिन जब आप भारत का इतिहास देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि भारत की सीमा प्राकृतिक सीमा है, भौतिक सीमा नहीं है। यानी भारत भूमि का निर्माण अगर आप नक्शे को उठाने, दुनिया का नक्शा उठा लें, तो अरब सागर से आप हिंदुकुश की पहाड़ियां उठाएं और हिंदुकुश की पहाड़ियां ऊपर जाके जहाँ सबके हिमालय शुरू होता है, हिमालय की पहाड़ियां जहाँ तक जाती हैं, और बाकी तरफ समुद्र, यानी एक तरफ हिमालय और हिंदुकुश और एक तरफ समुद्र, यानी इससे घिरा हुआ जो भूभाग है, ये प्रारंभ में भारत या जम्मू द्वीप कहलाता था। बाद के करीब 200 वर्षों में यह 13 खंडों में विभाजित हुआ, यानी आज का आधुनिक अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सहित इस पूरे भूभाग में भारत लगभग 13 खंडों में विभाजित है। राम मनोहर भैया जिस अखंड भारत की बात करते हैं वो इस अखंड भारत की बात करते हैं, इसलिए जब हम 13 अगस्त को कोई व्याख्यान कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, 13 अगस्त के बाद 15 अगस्त मना रहे होते हैं, तो महाविद्यालय की जब से स्थापना हुई है तब से यह यशस्वी परंपरा रही है कि हम अपने विद्यार्थियों के बीच पूरे विषय को 13 अगस्त और 15 अगस्त को एक साथ एक विषय ला दें, भारत का प्राचीनतम वास्तविक परिदृश्य क्या था और 1947 में हम कहाँ पहुँचे थे और आज कहाँ हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, तो इसका एक पहलू ये है कि हम गुलाम थे। अब गुलाम थे तो हम और उस गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं और उसके आज़ादी का उत्सव अगर मना रहे हैं तो हम फिर गुलाम होंगे। अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे कि हम गुलाम थे, एक पहली चीज़ ये याद रहे कि हम गुलाम थे, और दूसरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि क्यों गुलाम थे। अगर ये दो बातें हम याद नहीं रखेंगे तो भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता आगे भी अक्षुण रहेगी, ये कहना कठिन है। आज के दौर में आपको लग रहा होगा कि हम महाशक्ति बनने की ओर हैं, लेकिन इसलिए हैं
जो लोग इस दौर को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें याद है कि हम गुलाम थे, और जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें इस बात का ठीक ठीक अंदाजा है कि हम क्यों गुलाम। मैं केवल इशारे में कुछ बात संकेत के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। हम गुलाम इसलिए हुए कि हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग कण कण में भगवान का दर्शन देने वाला यह समाज बहुत ऊंची ऊंची धर्म और दर्शन और आध्यात्म की बातें करने वाला यह समाज जातियों में बटा यहां तक भी चल सकता था। यह समाज का बंटवारा किस सीमा तक हुआ कि हमने बंटवारे के बाद ऊंच और नीच तय किए। ऊंच नीच तय किए यही नहीं रुके, इसके एक कदम और आगे बढ़े और हमने छूत अछूत तय कर दिया। यानी वह समाज जो पत्थर में भगवान को देखता हो, वह समाज जो कण-कण में भगवान को देखता है, जो वृक्षों में भगवान को देखता हो, जो पशु पक्षियों में ईश्वर को देखता है, वह अपने जैसे मनुष्य के बीच का जो बंटवारा किया उसमें उसने बताया कि इनको आज सुगम पानी हम पी सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं, इनको नहीं छू सकते। ऐसा समाज जब भी रहेगा तो वो बहुत दिनों तक स्वतंत्र रहेगा मुझे नहीं लगता। अगर ये रहेगा तो गुलाम होगा, आज नहीं कल फिर होगा। इसलिए आज अगर भारत महाशक्ति बन रहा है तो इसलिए बन रहा है कि भारत अपनी कुप्रवृत्ति को, अपनी कुरीति को, अपनी इस गुण को पहचान कर दूर कर रहा है, और इसे दूर करने की शुरुआत भारत के संविधान से प्रारंभ हुई। भारत के संविधान से ही इस बात को खत्म किया गया कि कोई छूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, जाति के आधार पर इस तरह का कोई बंटवारा नहीं आ गया। अगर यह प्रवृत्ति और वह प्रवृत्ति इस सीमा तक की प्रवृत्ति, यानी कभी कभी आप, मैं बार बार कहता हूँ, जो मुझे उदाहरण समझ में आता है तो हम लोगों के समय तक ये रहा है, अब जाकर के लगभग खत्म है कि हम, यानी हमारे समाज का जो दृश्य हम लोगों के समय तक है, मुझे जो याद है कि हमारे घरों में भी, हमारे बर्तन में यदि कुत्ता खाना खा ले तो वो बर्तन पवित्र हो जाएगा, यदि सांप भोजन कर ले तो वो बर्तन पवित्र हो जाएगा। भोजन क्या होगा, सांप या बिच्छू या छिपकली उसमें गिर करके कड़ाहे में जल करके मर जाएगा, यानी पूरा विश्व उस कड़ाहे में जाए तो भी वह बर्तन पवित्र हो जाएगा, विश्रहित हो जाएगा। यानी पशु पक्षी चूहा बिल्ली कुछ भी सांप बिच्छू भोजन विश्रह जो भी हो वो भोजन करते हैं, उस बर्तन को पवित्र करने की या विषमुक्त करने की विधि मेरे दादी को भी पता थी और मेरे माँ को भी पता, और साधारण तरीका था गाँव में कि हम उस बर्तन को तपते आग में डाल देते थे और आग से तप कर जब वो बर्तन निकल करके ठंडा हो जाता था तो पवित्र हो जाता था। लेकिन यदि हमारे गांव का जिसे हमने तथाकथित रूप से अशुद्ध घोषित किया, अगर उस व्यक्ति ने भोजन कर लिया उस बर्तन में, तो उस बर्तन को पवित्र करने की विधि न मेरे दादी को पता थी न मेरे माँ को पता थी। आप समाज की कल्पना करिए, वह समाज जो समाज अपने बीच के व्यक्ति के द्वारा खाए गए बर्तन को अछूत मानकर बाधा करता हो, उसके पवित्रता का ज्ञान उसे न हो, उस बर्तन में सांप भोजन मिच्छी कुत्ता कुछ भी भोजन करे उसे पवित्र किया जा सकता हो, वह समाज आज नहीं तो कल फिर गुलाम होगा। हम गुलाम इसलिए हुए, यह कुप्रवृत्तियां और यह भारत की रूढ़ियां हमारे समाज में व्याप्त हुई है, इसलिए हम बटे हुए। धर्म के नाम पर हमने पाखंड अजमाया, पाखंड को हमने धर्म का हिस्सा बनाया, और पाखंड को जब धर्म का हिस्सा बनाया उसके तमाम उदाहरण आपको दिखेंगे, आज का भी हिस्सा है। तो जब, यानी भारत के हम उन पूर्वज के लोग हैं, उन पूर्वजों की संतान हैं, जब हम ताल ठोकते हैं दुनिया के सामने सर उठाकर, ताल ही नहीं तब भी कहते थे जब गुलाम हुए, तब भी सर उठा करके कहते थे कि हम दुनिया के उन पूर्वजों की संतान हैं जिसके जो धर्म जिसको मानता है
तो वो धर्म मानता है सुबह समय से उठने को, वह धर्म मानता है स्नान करने को, वह धर्म मानता है अपने दिए गए दायित्व का ठीक से पालन करने को,